तो भाई लोग कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एडोबे आफ्टर इफेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मूवी के सीन में से हीरो को हम रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एडोबे आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप की। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर मेरे पास में है, आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं अपना एडोबे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने जो है एक वीडियो का जो सीन है वो लिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो है ये वाला सीन है और इस सीन में जो है हम कैप्टन अमेरिका जो है रिमूव करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो है मैंने अपना वीडियो फुटेज जो है उसको इंपोर्ट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने ट्रिम कर लिया है। तो ये हमारा जो है सीन है और इसमें हमको जो है कैप्टन अमेरिका को रिमूव करना है। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को ज़रूर देखिए पूरे तक एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ये हमारा वीडियो फुटेज आ गया है। इसके बाद में दोस्तों हम इस वीडियो फुटेज का जो है डुप्लीकेट कर देंगे। तो हम CTRL D दबा के जो है कीबोर्ड पे हमने इसको जो है डुप्लीकेट कर दिया है। अब ऊपर वाले लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है पेन टूल लेंगे, ठीक है। अपने माउस के जो स्क्रोल बटन है उसको अगर हम स्क्रोल करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। उसके बाद में जो है हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। और हमारे माउस का जो लेफ्ट की है उसको हम प्रेस करके इस तरह से हम जो है इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमको जो है पेन टूल की मदद से एक मास्किंग करना है कुछ इस तरह से, जिसमें कैप्टन अमेरिका जो है पूरी तरह से इस मास्क के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मास्क कर दिया है। अब नीचे वाले लेयर को मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल नीचे वाला लेयर को हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमको जो है रेफरल मिल सके कि किस तरह से हमारा मास्क पोजीशन रहना है। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर एम प्रेस करेंगे तो यहाँ मास्क पाथ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको जो है एक की वाला आइकॉन नज़र आएगा, तो इसको प्रेस कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रेस करने से हमारा जो है की ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम हर फ्रेम में जो है मास्किंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वाले ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ आप ऊपर तरफ देखिएगा, यहाँ स्टैंडर्ड लिखा है तो स्टैंडर्ड में रखिएगा। अगर स्मॉल स्क्रीन है तो इस तरह से आएगा। तो ये सारा इंटरफेस है, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस लोगों ने अलग अलग है तो आप इसको जो है स्टैंडर्ड में रखिए तो इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन सब है तो स्टैंडर्ड में रखिए, आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमने जो है मास्क पाथ जो है सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने बात वाली बात ये है कि यहाँ आप देखेंगे तो जब मैंने की फ्रेम को सिलेक्ट किया है तो ये तीनों ऑप्शन जो है सिलेक्टेड हैं। तो तीनों ऑप्शन जब सिलेक्ट होंगे तो तब हम क्या है इसको अगर पकड़ के करेंगे तो ये सारा का सारा जो की फ्रेम है वो एक साथ मूव होंगे। मगर अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूं तो हम एक एक जो डॉट है इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, एक एक फ्रेम जो है एक एक जो पॉइंट है उसको मूव करना है या पूरा जो इसको मूव करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है अब यहाँ से की फ्रेम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो हर जो है मैं क्या करूँगा, तीन फ्रेम या पाँच फ्रेम हम ले सकते हैं जहाँ हमारे हिसाब से। तो मैं फ़िलहाल थ्री फ्रेम जो है सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3, तो थ्री फ्रेम है। तो यहाँ टू फ्रेम में जो है यहाँ थोड़ा हैमर आउट हो रहा है तो टू फ्रेम में जाने के बाद ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसको हमको जो है इस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको जो कैप्टन अमेरिका है और उनका जो भी चीज़ है कैप्टन अमेरिका से जिसको रिमूव करना है वो जो है इस हमारे मास्किंग जो है इसके अंदर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हर फ्रेम हमको मास्क करना है, जहाँ भी आउट आपको नज़र आ रहा है लगे कि आउट हो रहा है तो वहाँ हमको जो है मास्किंग करते जाना है। Till I get up, time is barely on our side. सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो है मास्किंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से जो है मैंने मास्क कर लिया है और हमारा जो
कैप्टन अमेरिका है और उनका जो हैमर है तो वो सब जो है इस सर्किल के अंदर में है। अब नीचे वाले लेयर को मैं ऑफ करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मास्क किया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है हमको फिर से जो है यहाँ क्लिक करना है और डबल एम प्रेस करेंगे तो कुछ और ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है मास्क फेदर का ऑप्शन आएगा तो इसको जो है हमको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो इस तरह से जो थोड़ा सा जो हमारा एज है उसमें इस तरह से फेदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको फेदर लगभग अपने हिसाब से जितना रखना है कर सकते हैं। तो चलिए मैं 15 रखता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों ये वाला ऑप्शन है जिसमें ऐड नज़र आ रहा है तो इसको जो है हम सब्ट्रैक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा जो हमारा कैप्टन अमेरिका जो है यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ से अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से वीडियो हमारा बन गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इस जगह में इस खाली स्पेस में जो है हमको फील करना है, इसको कवर करना है, इरेज करके इस जगह को कवर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे तो इसको चलिए मैं आई बटन को ऑन कर देता हूँ और इसके बाद में चलिए इसको हम फिट कर देते हैं। तो ये हमारा सीन है इस तरह से। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि ऊपर वाले लेयर को हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से हम जाएंगे कॉम्पोजिटिंग में, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे सेव फ्रेम एज फोटोशॉप लेयर। अब इसको हमको कहाँ पे सेट करना है वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो पाथ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देते हैं फोटोशॉप और इसको डबल क्लिक। अब यहाँ से जो है हम इसको चलिए कोई भी नाम दे देते हैं, मैं 1 दे के इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेव हो गया है। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से जो है फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा फोटोशॉप जो है ओपन हो गया है। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करके अपने जिस फोल्डर पे हमने सेव किया है वहाँ पर हम वहाँ से हम इसको फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये वो फाइल है, इसको हमको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है दो लेयर आपको नज़र आ रहे हैं। इस लेयर को अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो यहाँ इस तरह से है, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्लोज़ कर लेंगे, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाके हम इस वाले जो टूल है पॉलीगॉन लेसन टूल, इस वाले टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हमको इस तरह से पॉइंट आउट करते जाना है जितने भी जगह हैं कैप्टन अमेरिका का। सो गाइस यहाँ कैप्टन अमेरिका का आउटलाइन हमने मास्क कर लिया है। अब यहाँ से माउस पे हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से जो है फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सारा चीज़ देख लीजिए सब 100% ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ये हमारा इरेज हो चुका है। अब हमको इस फाइल को जो है इस इमेज को जो है सेव करना है तो हम फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ से सेव एज पे जाने के बाद में यहाँ फोटोशॉप SPD है तो इसको सिलेक्ट करना है और JPEG इस पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है हम इसको फाइल नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मगर ठीक है मैंने जो है 1 JPEG रखा है। सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है तो हमारा जो ये बैकग्राउंड है ये सेव हो चुका है। अब हम इसको जो है क्लोज़ कर देंगे और नो पे क्लिक कर देंगे, हमको फाइल सेव नहीं करना है। इसके बाद हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में वापस से जाएंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फ़ोटोशॉप में जाएंगे तो यहाँ ये जो है हमने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में फ़ोटोशॉप फाइल जो है करा था और ये फ़ोटोशॉप से हमने ये बैकग्राउंड जो है बनाया तो इसको हमको इंपोर्ट कर लेना है। अब इसको जो है हमको दोनों ही वीडियो लेयर के बीच में लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो अब जो है हमारा वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कैप्टन अमेरिका है वो रिमूव हो चुका है, मगर अभी भी काम बाकी है। यहाँ अगर देखेंगे तो इस जगह में आप फोकस करेंगे तो ये जो है
थोड़ा सा अजब लग रहा है, मतलब मूव हो नहीं रहा है। तो हमको अब करना है ये है कि हमको करना है मोशन ट्रैकिंग बैकग्राउंड के साथ। तो हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मोशन ट्रैकिंग जो है दो तरीके से कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। हम यहाँ पर जो है माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रैक मोशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमको जो है दो ऐसे जगह को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें रोटेशन और स्केल दोनों आएगा। तो हम जो है रोटेशन और स्केल को भी सिलेक्ट करेंगे और दो ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो ट्रैक कर सके। ठीक है, तो इसको चलिए मैं 100% रख देता हूँ। तो दो ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला वाला पॉइंट इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। अब यहाँ से जो है इसको हम इस वाले जगह को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड वाला जो है तो हमको जो है ऐसे कुछ जगह को सिलेक्ट करना है जो पूरा पूरे वीडियो स्क्रीन में जो है वो रहे। तो चलिए हमने इस दो पॉइंट को सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद में हम नीचे यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे तो बेहतर रहेगा, हमको पता लगेगा कि हमारा ट्रैकिंग सही हो रहा है या नहीं। वैसे ज़्यादा फ्रेम है नहीं, तो क्लिक करते हुए हम जो है फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक कर रहे हैं और हमारा ट्रैकिंग जो है अभी तक बढ़िया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ट्रैकिंग हो चुका है। अब यहाँ से जो है हम लेयर में जाएंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में एडिट टारगेट पे जाएंगे। यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है नल वन, जो हमारा जो ट्रैकिंग हुआ है वो नल वन पे आना चाहिए। तो हमने नल वन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अप्लाई करेंगे, एक्स एंड वाई सिलेक्ट रहना चाहिए, इसको ओके। तो हमारा जो भी ट्रैकिंग है वो नल वन पे ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन, स्केल और रोटेशन, ये तीनों ही जो है यहाँ ट्रैक हो चुके हैं। इसको चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से फिट, तो ये हमारा नल है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये जो है नल इस तरह से हमारा ट्रैक कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले PNG इमेज हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने जो है ऑब्जेक्ट रिमूव किया था तो इसी फ्रेम से, तो इसी फ्रेम में हम इस वाले पॉइंट को लेके नल में ड्रैग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ भी नल है, तो इस तरह से नल को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो हमारा बैकग्राउंड PNG है वो नल के साथ पैरेंट हो चुका है, यानी कि अब जो है नल का जो भी डाटा है वो हमारे बैकग्राउंड PNG के साथ में मैच कर लेगा। ठीक है, तो अभी भी कुछ थोड़ा बहुत 19-20 है। तो इसको जो है सही करने के लिए आपको ट्रैकिंग जो है सही होना ज़रूरी है। तो ये जो है एक जस्ट ट्यूटोरियल है, आप जो है और भी बढ़िया से ट्रैकिंग कर सकते हैं इस पोजीशन में। जैसे कि मैंने इस दो पॉइंट को ट्रैक किया था, आप कोई और भी जगह जो है ट्रैक कर सकते हैं जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो सही से ट्रैक हो और आप जो है उसको सही से अपने नल के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है, इसको इसमें थोड़ा सा जो है ट्रैकिंग में हमारा गड़बड़ी है, मगर इस चीज़ को आप ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा फोकस करके करेंगे तो आपका जो है काम सही होगा। सो गाइज, आज का ये यही वीडियो था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप की मदद से। तो आज का वीडियो बस इतने ही, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।